चैनल पर स्वागत है। और देखिए, नए हैं अगर आप हमारे चैनल पर, यहाँ सब्सक्राइब का लाल बटन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मनकसिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज जो है 29 जुलाई 2019, 12:32 है और BSE पे इसका जो प्राइस चल रहा है 4.50 रुपये, और साल का जो लो था 3.60 रुपये, हाई बनाया था 13.80 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि 13.80 रुपये से एक साल पहले इसका जो भाव था उससे काफ़ी नीचे है 4.50 रुपये में। और इस पे अगर हम बात करेंगे कंपनी क्या करती है, चलिए हम पहले प्रोडक्ट ही देख लेते हैं। देखिए, कलर स्ट्रॉन्ग कलर कोटेड रूफिंग शीट, रूफिंग शीट जो होती हैं मेटल शीट्स, प्लास्टिक शीट्स, कलर कोटेड, और जिंगालवो स्टील कॉइल्स एंड शीट्स, सिंघम GC स्टील शीट्स। तो अगर हम बेसिक प्रोडक्ट्स में जाते हैं और डिटेल्स में, तो ये कंपनी मस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स, जो मच्छर भगाने की कॉइल्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल में यूज़ करते हैं जब मच्छर भगाने के लिए इसका धुआं जलाते हैं जब इसको, तो ये मैन्युफैक्चर करती है ब्लैक और ग्रीन कलर में। और प्री पेंटेड मेटल कॉइल्स की शीट्स जो होती हैं ये बना मैन्युफैक्चर करती है। प्री पेंटेड मेटल शीट्स जो घरों के ऊपर लगाई जाती है, कलर कोटिंग प्रोसेस, और अभी इन्होंने जो है दे आर फोरे इनटू स्टील फाउंड्री, मतलब मनकसिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज हैज़ इंटर्ड इनटू द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप अ स्टील फाउंड्री नियर कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो इन्होंने एक अपना प्लांट गुजरात में ये भी डाला है, जिससे इंजीनियरिंग में जैसे कि आपको कोई मेटल का डिज़ाइन करवाना है, आपने कोई इंडस्ट्री डाली हो या आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई कंपोनेंट पार्ट चाहिए और वो मेटल से बना होना चाहिए, तो ये डिज़ाइन करके आपको देंगे। और इस तरीके से जो इनका भट्टी होती है मेटल को पिघला के उसको एक शेप देते हैं जो भी प्रोडक्ट आप बनाते चाहिए जो भी आपको। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड कंपनी है, स्टील से रिलेटेड कंपनी है। तो अभी बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे, कंपनी तो काफ़ी अच्छी लग रही है जिस प्रकार से इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि काफ़ी खपत रहती है ऐसी चीज़ों की, चाहे मच्छर भगाने वाली चीज़ें हों, चाहे घर के बनाने छत पे लगाने वाले पेंटेड मेटल कॉइल्स हों या शीट्स हों, तो ये प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मतलब इनकी डिमांड बनी रहेगी। और अगर हम इनका देखिए, 100% बाय के रिकमेंडेशंस है लोग कह रहे हैं। अगर हम स्टैंड अलोन के देख रहे हैं डेटा, तो मार्केट कैपिटल है 29 करोड़ के आसपास, बहुत छोटी सूक्ष्म कंपनी है, अर्निंग पर शेयर 0.04 पैसे, तो बहुत कम है, और पी रेशियो देखिए 1.13 का है। तो इस हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, स्टॉक प्राइस अभी भी बहुत महंगा है, जबकि बुक वैल्यू है 13.67, उस हिसाब से प्राइस काफ़ी नीचे है। प्राइस टू बुक है 0.33, ये भी ओके है, और फेस वैल्यू 1 की रह गई है। डिलीवरी कितनी शानदार है, लोगों ने भर रखे माल, 91.28% के आसपास है। इंडस्ट्री पी है इसकी 8.68, तो इंडस्ट्री की जो पीयर कंपटीशन की कंपनियां हैं जो उनका पी है उस हिसाब से बहुत ही ये यहाँ पे एक्सपेंसिव लग रहा है। और ऐसी कंपनियों में कर्ज़ा बहुत होता है, हमें देखना चाहिए क्या जो स्टील से रिलेटेड या मेटल से रिलेटेड होती हैं, तो हमें बैलेंस शीट पे उनका कर्ज़ा भी देखना चाहिए। तो देखिए, टोटल जो इनके पास डेट है वो है 116 करोड़ का, और उसकी पूरी कंपनी की औकात कितनी है 29 करोड़ के आसपास, जो इस समय वर्तमान स्थिति है। और तो कर्ज़ा काफ़ी है, हालांकि कर्ज़ा कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने 116 करोड़ लिया हुआ है तो चलो ठीक है कि हम उसकी EMI से रेगुलर भर रहे हैं, इतने साल के लिए लिया हुआ है, लेकिन फिर भी कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, जबकि टोटल एसेट्स है 205 करोड़ के। सॉरी। इस तरीके से अगर हम कुछ रिजल्ट्स भी नज़र मारते हैं December 2018 से March 2019 Q4 में, तो यहाँ पे नेट सेल्स में तो 5.56% के डाउन साइड है, गिरावट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे जो है 29% से ज़्यादा की बढ़त है, अपसाइड है। इंटरेस्ट भी देखिए कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़बरदस्त, जो December 2018 में था सिर्फ 43 लाख के आसपास का नेगेटिव में, और वो हो गया March 2019 में 3.22 करोड़ का, जो कि 850% की जंप है नेट प्रॉफिट में, ये एक शानदार है।
और मार्जिन भी यहाँ पे देखिए 3.64% की अपसाइड है। लेकिन अगर हम ईयरली देखते हैं मार्च 18 से मार्च 19 में, तो अगेन यहाँ पे नेट सेल्स में डाउनसाइड 12% के आसपास की, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है 29% की अपसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 63% की अपसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ 4.5% के आसपास अपसाइड है। तो क्वार्टरली और ईयरली थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, नेट सेल्स सिर्फ डाउन साइड है। तो इसका मतलब सेल्स में थोड़ी सी इनके कमी देखी गई, क्वार्टरली भी एनुअली भी इस प्रकार से। और जो रिटर्न है एक साल में इन्होंने 57% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है, 6 मंथ में भी 34% के नेगेटिव में रिटर्न है। तो इस तरीके से एक छोटी प्राइस का और जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स तो बढ़े हैं, लेकिन अभी हमें इस पे लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मैं लूँगा ना मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ। होता क्या है फ्रेंड्स कि जो जिस पे ज़्यादा कर्ज़ा होता है और हाँ, अगर हम प्रमोटर्स के यहाँ पे देखते हैं तो 67% के आसपास की होल्डिंग है। और अच्छी बात है कि इनकी कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड्स नहीं है, कोई भी FIIs नहीं है, और इंडिविजुअल हैं 11% के आसपास। तो ये है स्थिति इनकी। और इन्होंने जो है कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है। अगर हम इनकी पीयर कंपनीज़ में देखते हैं उनकी क्या स्थिति है, तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं पीयर कंपनीज़ में, देखिए मनकसिया कोटेड में है, रत्ना मणि मेटल्स जिसका प्राइस चल रहा है 952, टाटा स्टील BSL है ये भी 26 रुपये के आसपास है, और महाराष्ट्र सीमलेस है 416 रुपये, और टाटा स्पॉन्ज आयरन 478 के आसपास है। तो ये इसकी पीयर कंपनीज़ हैं, उस हिसाब से इसका जो पी है काफ़ी महंगा दिख रहा है। तो अभी इसके फंडामेंटल धीरे धीरे अच्छे होंगे, जब इनकी नेट सेल्स बढ़ेगी और भी प्रॉफिट में आएगी, या फिर जिस प्रकार से हम लोग एक मल्टीबैगर की खोज कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि हमेशा मैं बड़ी प्राइस का ही बताता हूँ जहाँ मुझे लगता है कंपनी के प्रोडक्ट्स में जान है या फिर कुछ ऐसा, तो उसके फंडामेंटल जब अच्छे हो जाए तब हमें उस समय घुसने में भलाई होती है। होता क्या है कि अभी ये 13 रुपये से सीधे 4 रुपये पे आ गया, थोड़ा ठीक नहीं है, अभी काफ़ी नीचे पे आ चुका है। हाँ, जो लोग बहुत जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है कि चलो यार मुझे 1,000 शेयर लेने में क्या बुराई है, मैं लेके छोड़ देता हूँ, 4,000 के तो आएंगे, 4,000 4,500 के तो आएंगे, तो वो थोड़ा सा वो अपने हिसाब से उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी रिसर्च है, उनकी अपनी सूझबूझ है लेने की, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इस पर अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, या मैं खुद अपना पैसा अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये रहा आज का स्टॉक मनकसिया कोटेड मेटल्स फ्रेंड्स। तो आशा है कि आप इसमें भी नज़र बनाए रखेंगे, कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप सूचित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।